जरीपटका थाना अंतर्गत एक मामले में पानीपुरी विक्रेता पर चिकन विक्रेता ने हमला बोल दिया। हालांकि मामला दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि मात्र 20 रुपए की उधारी के लिए टोकने पर साहिल और जयराम में ये विवाद खड़ा हुआ था। मात्र 20 रुपए की उधारी के लिए जरीपटका थाना अंतर्गत हत्या का प्रयास किया गया। रविवार को अवकाशकालीन अदालत में पेश कर उसे PCR में भी लिया गया है। दरअसल समता नगर निवासी जख्मी पानीपुरी विक्रेता जयराम गुप्ता बताए जा रहे हैं, वह समता नगर में ही नाले के बाजू में पानीपुरी का ठेला लगाते थे और ठीक इसके बाजू में ही साहिल चिकन सेंटर है। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे 30 रुपए की साहिल ने पानीपुरी खाई। इसके रुपए भी उसने दिए, लेकिन पहले की 20 रुपए की उधारी बाकी थी, जिस कारण जयराम ने उसे 20 रुपए के लिए टोका और इसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। तारीख 21 की बात है, 21 जनवरी 2023 को रात में 9:30 बजे का मामला है। 9:30 बजे के करीबन गुपचुप का ठेला, वो ठेला नहीं बोलते उसको, स्टॉल लगाता है और जो आरोपी है उसका भी साइड में थोड़ी दूर में चिकन की दुकान है, तो वो गुपचुप खाने गया वहाँ पे, पानीपुरी खाने गया। वहाँ पे उन्होंने पानीपुरी खाई और पिछले के जो उधारी के पैसे थे, उन्होंने पानीपुरी वाले ने उधारी के पैसे उनको मांगे तो उसने बोला कि तुम्हारे काई की उधारी है, तो वो उसके वजह से आरोपी को गुस्सा आ गया। बिल बोले तेरी उधारी दिखाता हूँ, रुक। तुरंत जाके वो अपने चिकन सेंटर से मुर्गियाँ काटने का जो चक्कू रहता वो लेके आया और इसको बोला कि रुक, तेरी आतड़िया निकाल के हाथ में देता हूँ। वैसे ही घोपा और वहाँ से भाग निकला। इसमें आरोपी एक ही है, साहिल संजीव नागदेवे। इसकी उम्र है 20 साल, रानर प्लॉट नंबर 224, बाबा देव सिंह नगर पुलिस स्टेशन कपिल नगर के हद में आता है। उसको देर रात तक के 22 तारीख को 4:16 में उसको गिरफ्तार किया है। अब फिलहाल तो चेक किए, अब तक के आरोपी का और जख्मी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जख्मी अभी मेयो हॉस्पिटल में उपचार ले रहा है और उनके नातेवाईक का हमने बयान लेके गुना दाखिल किया है, कलम 307 भांधवी से, अपराध क्रमांक 50/2023। फिलहाल मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।